गढ़चिरौली चमोली लोकसभा क्षेत्र में अत्यधिक संभाग भौगोलिक चुनौतियों से भरा हुआ है, जहां सक्षम एवं प्राचुर मात्रा में चुनाव संपन्न करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के जरिए दुर्गम स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोकसभा में प्रथम चरण के चुनाव के लिए 3 दिन शेष रहते हुए अधिकारियों ने 16 अप्रैल को उग्रवाद प्रभावित जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर हेलीकॉप्टरों द्वारा 295 चुनाव कर्मचारियों को ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां मतदान दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम और अन्य उपकरणों के साथ गढ़चिरौली के विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना और सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से गढ़चिरौली में संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर 68 बूथों के 295 मतदान कर्मियों को ले जाने की प्रक्रिया शुरू की है। ज्ञात हो कि गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के मौजूदा सांसद अशोक नेते और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर नामदेव किरसन के बीच सीधा मुकाबला होगा। जहाँ गढ़चिरौली की स्थिति देखी जाए तो निर्वाचन क्षेत्र के 16,12,930 मतदाता है, जिनमें 8,11,836 पुरुष और 8,10,082 महिलाएं और 12 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, जिसके चलते यदि प्रचुर मात्रा में चुनाव होता है तो यह मुकाबला देखना काफी रोचक रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।